हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश आज आप लोगों को हार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हार्ट को सुरक्षित कैसे रखें वो बताएंगे दोस्तों, और हार्ट में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और हार्ट हमारे शरीर में क्या करता है। तो आप सीधा वे में जानिए, हार्ट इज दी पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड। तो दोस्तों, हार्ट जो है वो पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करती है। तो दोस्तों, और जब पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करती है तो इसे भी ब्लड की जरूरत होती है। तो इसे जो ब्लड की जरूरत होती है उसे कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू पीसा जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी और एक हो गया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होता है दोस्तों, अगर उसमें 60% कोलेस्ट्रॉल फैट जमा हो गए और वो जमा होते हैं दोस्तों वाइली फूड वगैरह बहुत ज़्यादा ले लिए, और वहाँ का जो नाली है उसमें ब्लॉकेज हो गया। तो अब ब्लॉकेज के बाद आगे मसल्स में खून नहीं पहुँच पाते। तो दोस्तों, अगर आप एक पौधा लगाते हैं और उसमें पानी नहीं देते हैं तो वो पौधा सूख जाता है, उसी तरह अगर इसमें ब्लड, हार्ट तो पूरे शरीर में ब्लड देता है और उसे भी ब्लड की जरूरत होती है, और उसी को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा होता है। तो हार्ट को प्रिवेंशन कैसे करें, देख रेख कैसे करें। तो पहला प्रिवेंशन है दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फर्स्टली पर डे मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सुबह शाम घूमें। सेकंड है वायली फूड, वायली फूड छोड़ ही दें, वायल में कोई मज़ा है नहीं दोस्तों, बस एक थोड़ा सा टेस्ट के लिए वायल लोग खाते हैं, तो वायली फूड अवॉइड कर दीजिए। तीसरा चीज़ है आप वजन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर वजन कंट्रोल में आप नहीं रखिएगा तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। चौथा चीज़ है दोस्तों, संतुलित आहार आप जब भी लें तो हेल्दी फूड खाएं, और संतुलित आहार खाने से आपका पेट ठीक रहेगा, गैस नहीं होगा, कंस्टिपेशन नहीं बनेगा दोस्तों। तो जब आपका पेट ही साफ रहेगा तो आपका दिल भी ठीक रहेगा। पांचवा चीज है कि जब आप पेशाब लग जाती है तो कुछ देर लोग पेशाब को रोक करके कुछ देर के बाद जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी हार्ट का प्रॉब्लम आता है। छठा चीज़ है कि टेंशन फ्री रहें, दिल के मरीज जो है ना विदाउट टेंशन टेंशन फ्री रहें, वो किसी चीज़ को टेंशन से कुछ होता नहीं है। टेंशन तो लाख चीज़ का पा लीजिएगा, लेकिन टेंशन से अगर सारा काम हो जाए तो सब लोग टेंशन ही ले लेंगे, टेंशन नहीं लेना चाहिए हार्ट के पेशेंट को। चौथा चीज़ है कि एक कप चाय आप डेली सेवन करें, और तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो और नेक्स्ट चीज़ है, आप हार्ट के पेशेंट हैं तो और हार्ट के पेशेंट बनते जा रहे हैं तो भी आप मछली का सेवन करें, सप्ताह में एक बार मछली जरूर यूज करें। और नेक्स्ट है धूम्रपान कतई न करें, गुटखा पान सिगरेट ये सब ना लें, हार्ट को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है,
और एक नाजुक चीज है जो दिल है, इसे प्रिवेंट करके रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ऐसे प्रिवेंशन तो बहुत सारे हैं, एक से एक प्रिवेंशन है उपाय, लेकिन इतना मोटा मोटी आप कंट्रोल कर रखें हार्ट के पेशेंट आप नहीं बनिएगा। और जो हार्ट के फर्स्ट एक बार जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम आ चुका है वो भी इतना चीज बात को ध्यान रखें, हार्ट का प्रॉब्लम आगे क्रिएट नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को आप एकदम नियंत्रित रखें और ब्लड प्रेशर हमेशा चेक कराते रहें। और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का एक ही चीज है दोस्तों, सुबह और शाम मॉर्निंग एक्सरसाइज करें, पैदल खूब चलें, सुबह में 1 घंटा चलें, शाम में 1 घंटा चलें। और उसके साथ दोस्तों एक होम्योपैथिक में कुछ दवाइयां जो आती है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो होम्योपैथिक में तो ढेरों दवाइयां हैं, लेकिन और गैस से ही बचना चाहिए, ऐसा खाना तो बताए दिए हैं कि ऐसा खाना खाए हेल्दी डाइट जिससे गैस न हो, कॉन्स्टिपेशन ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों क्रिटिकस क्यू, उसे आप 20 स्पून सुबह और 20 स्पून शाम ले लें। और दूसरा मेडिसिन है दोस्तों ब्रानिया भी ले लें, ब्रानिया सुबह और शाम वो भी 4 बूंद खा लें, फर्स्टली ब्रानिया खा लें। और उसके बाद एक चाइना ले सकते हैं और वो 30 पावर में दोपहर में मात्र एक बार लें, बस 4 बूंद। सुबह शाम ब्रानिया खाइए और क्रिटिकस क्यू 20 बूंद पीजिए और रात में एक खुराक नक्स घूम लें। आपको क्रिटिकस में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही असरदार काम करते हैं दोस्तों, और भी दवाइयां हैं ऐसे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा नंबर है 7277351318, इस वीडियो पर कॉल करें तो आगे बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो